दोस्तों सराय मसनून दो तीन दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महापुरुष जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कमाना चाहते हैं तो इसके लिए कोशिश मत करो बल्कि वैल्यू बढ़ाओ। ये जो बातें कहते हैं उसे मैं कंप्लीट तौर पर नकारता नहीं हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि इनके अल्फाज दूसरे माने अदा कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? वो जो कहते हैं वैल्यू बढ़ाओ, उसका मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि वैल्यू मेक्स द डिफरेंस एंड रिजल्ट्स, बिल्कुल ठीक, मगर इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका ये मतलब होता है कि वो जो कहते हैं? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। अब मैं उनकी चंद बातों को आपके सामने रखता हूँ और पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस सिलसिले में। मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस सिलसिले में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये एडवोकेट्स की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक लॉयर टाइपराइटर लिए बैठा है, रेंट अग्रीमेंट तैयार करता है और 50 रुपये लेता है, जबकि एक और एडवोकेट जिसकी तालीम भी उसके साथ और उसी कॉलेज में उसी हॉस्टल में रहकर हुई है, वो 50 लाख रुपये चार्ज करता है। ऐसा क्यों है? इनका कहना है कि वैल्यू, ये वैल्यू का मतलब क्या देना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। मैं अब भी आप लोगों से पूछता हूँ, सुनने वालों में कोई लायर भी हो सकते हैं, क्या अच्छी लायरी कर देने से किसी को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं? लायरिंग की बात होती है तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सी मोहम्मद अकबर कंपनी में नौकरी करता था। वो कभी किसी बिजनेस के सिलसिले में एक लायर के पास भेजते थे, मैं जाता था। पुरानी बात है, उस वक्त मैं लड़का था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। बाद जाते वक्त मैं देखता था कि वो लायर कम उम्र था और उस लायर के वालिद भी लायर थे, दादा भी लायर थे। अगर किसी बात में कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत पड़ती थी तो वो लायर अपने बाप से या दादा से पूछता था, वो वहाँ से जवाब देते थे। वो ब्राह्मण थे, चेन्नई में रहते थे। मैं जब भी जाता था वहाँ का एक माहौल देखकर मुझे खुशी होती थी, लड़का था मैं इस वक्त, ये भी आपको कह देना चाहता हूँ। तो वो कहते थे, वो लायर के वालिद को मैंने कहते हुए सुना है कि कोई लायर कोई केस जीतता नहीं है, जीतने वाले उनके क्लाइंट भी क्लाइंट ही होते हैं, और इसी तरह कोई लायर कोई केस हारता नहीं, हारने वाले भी उनके क्लाइंट ही होते हैं। ऐसे लायर भी चेन्नई में होते थे एक ज़माने में, वो कहते थे, वो तशद्दुद पसंद थे। ये एक लायर के सिलसिले में मैं सुनता था, अरे क्यों डरते हो कि आप इस क्राइम में मुब्तला हो गए, मेरे पास आओ, मैं छुटकारा दिला दूंगा। छुटकारा दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज भी इस तरह कहने वाले एडवोकेट मौजूद होंगे, मुझे पता नहीं, मगर क्यों ऐसा कहते हैं? पैसे की खातिर, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। तो ये पेशा जो होता है एडवोकेट का, वहाँ ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, बल्कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरी समझ में जो बात आती है वही मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ करप्शन ज़्यादा है, ब्लैक मनी ज़्यादा है। लोग इन एडवोकेट्स, मेरा मतलब किसी न किसी तरह लोगों से पैसे हासिल करने
अगर दूसरे अल्फाज में कहना चाहे तो हड़पने की कोशिश करते हैं और हड़पते भी हैं। दुनिया में अगर गलत लोग होंगे तो एडवोकेट का पेशा फलेगा फूलेगा, वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसी वक्त मैं ये भी कहते चलूँ कि ये तमाम एडवोकेट्स ऐसे नहीं होते हैं, ये ईमानदार एडवोकेट्स भी होते हैं और ऐसे एडवोकेट्स भी होते हैं जिनको अगर उनके क्लाइंट्स के केस समझ में आती है तो वो लेते हैं, वरना लेते नहीं। गलत आदमी उनके पास जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, उनके केस को ही वो कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। ऐसे एडवोकेट्स भी, ईमानदार एडवोकेट्स मौजूद हैं, क्योंकि हर पेशे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मगर ऐसा लगता है कि जब ये महाशिया, जिनकी बातें सुनने के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, ये कहते हैं कि एडवोकेट क्यों लेता है 50 लाख रुपये, तो मैं ज़रूर कहूँगा वो इसलिए 50 लाख रुपये लेता है कि उस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और इसके अलावा उस पैसे को वो एडवोकेट हो सकता है उन लोगों में तकसीम करेगा जिनकी वजह से वो केस जीत सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में कोई पेशा ऐसा नहीं है जहां करप्ट लोग नहीं रहते हैं, ये भी वजह हो सकती है। अगर बात पर आऊँ तो इस आदमी की बात में वैल्यू कायम करो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह पैसा हड़पना चाहिए ये इल्म सीखो। मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि वैल्यू क्या चीज़ होती है। तो ये चंद चीज़ें हैं एडवोकेट के सिलसिले में मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा इन्होंने ये और बात भी कही है, डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स में अच्छे इलाज करने वाले मौजूद हैं, लोग खुशी खुशी उनके पास जाते हैं और मुंह मांगा फीस देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर हर कम फीस लेने वाला डॉक्टर वैल्यू ना बड़ा हुआ डॉक्टर नहीं होता। एक डॉक्टर जिनकी रहलत अभी हाल में हुई है, वो सिर्फ 10 रुपये लेते थे और इलाज करते थे। और हमें मालूम है कि चेन्नई में कला नदी, डॉक्टर कला नदी होते थे, लोग क्यों में खड़ कर उनके पास इलाज करते थे, वो भी बिल्कुल कम फीस लेते थे, लोग खुशी खुशी आते थे और इलाज उनसे करवाते थे। ऐसे डॉक्टर भी हमारे सामने मौजूद थे, आज भी शायद होंगे। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हर आदमी के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। मगर ये महाशय है जो चंद चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं, ऐसा पता चलता है कि उन्हें पैसा ही सब कुछ है। और उनकी चंद बातों को सुनकर लोग ताली भी बजाते हैं, मगर वो भूल जाते हैं ताली क्यों बजनी चाहिए। और साड़ी की बात, एक औरत से पूछते हैं कि उन्होंने कितने दाम में साड़ी खरीदी है, तो वो बोलती हैं 25,000 में। तो ये कहते हैं कि अगर उस साड़ी में सचिन मुखर्जी का नाम लिख दिया जाए तो उस साड़ी की कीमत कम से कम 10 लाख रुपये हो जाती है। 10 लाख रुपये होती है या नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मगर एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, वो ये कि इस दुनिया में जब दीवाने रहते हैं, इस दुनिया में सचिन मुखर्जी या क्या है वो, उसके परवाने होते हैं और रुपये देने के लिए तैयार होते हैं, तो ज़रूर रुपये लिया जाएगा। मगर क्या ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ किसी के नाम को देखकर लाखों रुपये दे दें? लोग देते हैं। और इसी तरह एक और बात भी कहते हैं, जावेद हबीब,
जो कि 5 मिनट के 5001 रुपये लेते हैं बाल हेयर कट करने के लिए। तो ये बात कम से कम हम जैसे लोगों की समझ में आती है, इसलिए कि उनके पास वो औज़ार होते हैं जो कि वो इंपोर्ट करते हैं और उनके पास एक कला होती है, उस कला की वजह से वो 5001 रुपये चार्ज करते हैं और लोग खुशी खुशी देते हैं। इसमें कोई करप्शन है ऐसा मैं कह नहीं सकता, ये बात ठीक है, ये उनकी मेहनत की कमाई है, उनमें एक फ़न है, उस फ़न के मुजाहरे से वो लोगों की मन मोह लेते हैं और आमदनी भी उनकी बढ़ जाती है, यह और बात है। इसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर की बात भी वो कहते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर अक्सर 25 लाख रुपये लेते हैं, मगर एक और म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका नाम है ये रहमान, वो 10 करोड़ रुपये लेते हैं। ये 10 करोड़ वाली बात कहाँ तक ठीक है मुझे इल्म नहीं है इसका, वो जो कहते हैं उस पर मैं चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या अमाउंट लेते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर उनके सुर से, उनके साथ सुर से लोग खुश होते हैं। खुश होने की वजह से अगर फिर किसी फिल्म में उनकी म्यूज़िक होती है और इससे फिल्म अच्छा चलता है, करोड़ों में लोग कमाते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स, और इसके लिए वो रुपये भी देने के लिए तैयार होते हैं, ये फिल्मी दुनिया की बात है। इस सिलसिले में मुझे कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी हैं इसके पहले, डॉक्टर की, वकील की और हेयर कट वालों की, वो मेरी एक्सपीरियंस पर मुनहसर है। कमाई बढ़ाने के लिए वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर मैं दोहरा देता हूँ, वैल्यू बढ़ाना किस तरह होगा, किस तरह होना चाहिए, ये बात इस महाशय ने नहीं कही है। जैसे भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक्सप्लॉयटर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं, धोखे से लोग कमाते हैं, धोखे में लोग आ भी जाते हैं। देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ, एक धोखेबाज आया, एक ज्वेलरी शॉप कायम किया, वहाँ उसने कहा कि लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं उसके दुकान में तो उनकी आमदनी ज़्यादा होगी, और करोड़ों रुपये हड़प कर रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। कब तक ये लोग छुपे रहेंगे? एक दिन पर्दाफाश हुआ, कहीं भाग गया था, विदेश में था, फिर आया, अरेस्ट हो गया। ऐसा लगता है कि अब वो जेल की हवा खा रहा है। जितने भी लोग उसकी बात को, गलत बात को, धोखे की बात को मानकर दीवाना बनकर उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, वो फंस गए हैं, उनके लाखों पैसे ख़त्म हो गए हैं। किसी के पास शादी के पैसे थे, किसी के पास प्रोविडेंट फंड के पैसे थे, किसी के पास ज़माने की कमाई के पैसे थे, सब वहाँ फंस गए। और ये आदमी जो बेंगलुरु का था, उसका नाम मैं भूलता हूँ, ऐसे लोगों के नाम भी मुझे याद नहीं रहते हैं, तो धोखेबाज था, और उस कंपनी की तायद करने वाले में चंद अच्छे लोग भी आ गए थे, एक दो आलिमों के नाम भी थे। शायद ऐसा लगता है कि आलिम भी उसकी बात को सच मानकर उसकी तरफदारी कर रहे थे, उन्हें भी उसके बाद पता चला होगा कि उनसे किस किस्म की गलती हुई, और एक दो मौलाना अरस भी हो गए, ऐसा भी हुआ। वो डोनेशन भी देता था चंद स्कूलों को, चंद मदरसों को, चंद यतीम खानों को, ताकि उसका नाम आगे आगे रहे और धोखे देने में वो आगे आगे बढ़ता रहे। ये दुनिया है,
दुनिया में इस तरह के काम होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें जब ये मालूम होता है कि किसी से ये वादा आता है कि वो ज़्यादा नफ़ा हमें देगा इन्वेस्ट करने से, तो समझिए कि वो धोखेबाज है, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी चंद बातें अपने एक्सपीरियंस के बल बोते आपके सामने रख दूँ, ताकि आप भी इस सिलसिले में सोच सकें, समझ सकें और आपके ख्याल से भी आखर को मतलब दे सकें। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके पास कोई और टॉपिक है तो मुझे बताइए, उस पर भी मैं चंद बातें आपके सामने रख सकूँ। और आपको भी चाहिए कि आपके दिल में जो ख्याल पैदा होते हैं उससे मुझे मतला करें, क्योंकि तबादला ख्याल बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ये हाँ, अब मुझे ख्याल है सियासतदानों की बातें, क्या सियासतदानों के पास करोड़ों रुपये नहीं हैं? अगर हैं तो वो रुपये कहाँ से आए हैं? क्या वो कोई कारोबार करते हैं? क्या उनकी कोई इंडस्ट्री चलती है? क्या वो टाटा बिरला रिलायंस की तरह है? ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसे वो करोड़पति हो गए? किस तरह करोड़पति हो गए ये सब जानते हैं। मैं क्यों कहूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ तक सियासतदानों का ख्याल है उनके बारे में। मगर ये बात मुझे खुश करने वाली है, वो ये कि हमारे यहाँ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए हैं, वो मेहनत से आगे बढ़े हैं, उनकी बहुत मेहनत रही है, मेहनत से आगे बढ़े हैं, सिर्फ आगे बढ़कर पैसे हड़प कर अपने पास नहीं रख लिए हैं, बल्कि उनकी फैक्ट्री से हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती है, हज़ारों लोग नौकरी पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 25,000 लोग नौकरी पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 2,00,000 लोगों की ज़िंदगी उन लोगों की वजह से फ़ायदे में होती है। इस तरह के काम हमें करने की ज़रूरत है। चंद वकीलों की तरह करप्ट न बने, बल्कि हमारे सामने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासकर लेदर इंडस्ट्री में, वो न जाने मुझे क्यों बहुत भाते हैं। उनकी कदर मैं हमेशा करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि उनसे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। जो आदमी लोगों को फ़ायदा पहुँचे बगैर रहता है वो क्या इंसान हो सकता है? अल्लाह उन लोगों को चाहता है जो उसके बंदों को चाहते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। इसलिए फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि लेदर इंडस्ट्री में रहने वाले हमेशा कौम मिल्लत का, मुल्क का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी बसर करने वालों में रहे हैं। हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है। कई लोग जलाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, मरीद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, इन लोगों से कौम को बहुत फ़ायदा पहुंचा है, अब भी पहुंच रहा है। हालांकि वो चल बसे अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनसे फ़ायदा पहुंचता है। अब भी हमारे सामने, जैसा कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी फैक्ट्रियों की वजह से लोग नौकरी पाते हैं, फ़ायदा पहुंच रहा है। खुदा करे कि उन्हें और फलने फूलने का मौका अता करें। बस इन चंद बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।